सुशीला भगवान के सामने बैठ करके आंसू गिराती है, रोई, भगवान हमने खूब अपने पति के लिए समझा लिया, खूब हमने कहा कि आप एक बार जगत नियंता जगताधार के दरवाजे चले जाओ, एक बार जाओगे तो भगवान जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है, तो भगवान हमें ये बताओ हम किससे कहें। सुशीला ने जब बार बार निवेदन किया भगवान से, आंसू गिराए, तो मैंने एक दिन कहा था कि अगर उनके सामने रोया जाए तो वो कष्ट जीवन से नष्ट हो जाता है, इसलिए याद रखना। अभी तक सुशीला ने खूब समझाया था सुदामा जी को, लेकिन सुदामा तैयार नहीं थे, लेकिन आज जब सुदामा जी लौटे, सुशीला जी कहने लगी, पतिदेव मुझे खुद के लिए हीरे मोती के गहने नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए जो है रेशमी साड़ियां नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मेरा तो केवल निवेदन इतना है कि अगर आप उनके दरवाजे चले जाओगे तो आपको उनके दर्शन मिल जाएंगे, मित्र मिलन हो जाएगा, और अगर कृपा हो गई तो हमारे बच्चों के भोजनों की व्यवस्था हो जाएगी, और कुछ नहीं। सुदामा जी कहने लगे, देवी अगर तुम इतना कहती हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं, दो शर्तें। अच्छा ध्यान देना, आज तक सुदामा जी तैयार नहीं हुए, लेकिन आज तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि सुशीला ने भगवान से निवेदन किया, मतलब अगर हम और आप भी भगवान से निवेदन करें तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के काम हमारे हो ना सके, लेकिन पहली चीज तो हम लोग भगवान से मांगते भी हैं तो स्वार्थ में मांगा था, मांगत के नहीं मांगा, स्वार्थ की चीजें, भजन भी कर भी तो एक नरियल चढ़े भी, लिस्ट बते भी इतनी लंबी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, अगरबत्ती 10 पैसा की और अपन खुद चाहे इतनो, भगवान हमें न करे आवे 100 बोरा और भगवान के में कायरे हमें का दे हो, तो अपन के अभी भगवान तुम्हें भाई दो चिरोनी भुनसारे दो डिंडू में है, अजय में दुर्गा जी वो गणेश जी की तो और खराब गात है, तने इनोरों की तो फिर भी ठीक है, दुर्गा जी वो गणेश जी की और खराब गात है, ये तो कोनो अच्छो जाता ही नहीं है, दुर्गा जी के गणेश जी का कोनो अच्छो नहीं जावे, कबाऊ देखियो तो, कई मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, मैया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, मैया की द्वारे एक मांझल पुकारे, कबाऊ को ने कही के मैया के द्वारे कोनो अच्छो पुकारे, अच्छो जाता ही नहीं, ये गणेश जी कई अंधन को आंख देत, कूड़न को काया, मांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, कब अच्छे में सुई चले जा, कब विदेही में जे अभी अटके में, भगवान भी बैठा बैठा सोचता है कोई आए और मुझसे मुझी को मांगे, और याद रखना प्यारे इस दुनिया के मोह में अपन पड़े हैं, माधव को छोड़ करके माया के चक्कर में पड़े हैं, हम ये नहीं कहते कि बाबा जी बन जाओ घर छोड़ दे भाग जा, अरे राम राम का खाके के मैं तुम्हारों संगे बाबा जी बन जा, हम खुद नहीं बन पा रहे तुम्हारों को का बना में, भाई बात बात कहो जो खुद पे लागू होवे, ना बा बोलो ही नहीं, हम कपूनी कहते के बाबा जी बन जा घर छोड़ दे, नहीं इतनी कहते हैं कि नाम कमाओ पैसा कमाओ दौलत कमाओ स्वरत कमाओ, लेकिन कुछ समय जीवन का निकाल करके ठाकुर जी के पास बैठो, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, लेकिन उनके बन करके बैठो, हम जीवन भर दुनिया के बने फिर रहे वो उनके नहीं बन रहा, सो जीवन में दिक्कत आ रही, उनके बन जाए तो अपने आप कष्ट दूर हो जाए, लेकिन दुनिया के बने फिर रहे जो मूरो जो हमाओ जो हमाओ जो हमाओ, अच्छा हमाओ हमाओ जे हमाए में होत का है, ये दुनिया बारे करत का है, कई जो हमाओ जो हमाओ, अच्छा जोन खो अपन अपनो जानते, मरबे के बाद में भी अपने करत का है, मरबे के बाद का करत, अपन मरे आ सबरे जोड़े आ जलाया जला देत के नहीं, अपन सोचते के जे रो है हम बिना रोटी ने खे है रोटी, अरे काय को लगे बे बार के लोटा थे, अरे रिश्तेदार ले आओ पुणी सुबह पुणी खा जाता रोक जात बब्बा अच्छे हते तने थानो और दे दे रोक जात माई बहुत प्यारे हते दादा हमें तो दू और दे दे, अरे राम राम अपन सोचते के जे भूखे रह जे खे है ने बे पुणी खात है रगड़ा थे,
अच्छा दो तीन दिन का हो तो खारी उठा उठी खारी सो मई से उठाई खारी कछु नर्मदा खोनेंगे कछु गंगा जी खोनेंगे और रिश्तेदार ले आए पुणी सो धनी बीस बीस चालीस चालीस पुणी और कड़ गए गेल धरे दादा धरे है मटका में अपन ने इलाहाबाद लो छे बेरे लगा लगाई दादा को मटका लटका दो बस में राम धनी तो अपन सोचते जे भूखे रह जाए काय को रह जाए अच्छा नौ में दस में देना का हो फिर का हो देन सो अबे तक तो वे रिश्तेदारों की ले आई पुणी खा रही थी फिर भाव देन सो देन के देना कुछ क्या बनी बड़ा बने पापड़ सिको चौर बने कड़ी बनी शक्कर डाट डार के घी डाट डार के बड़ा रगड़ी बोले काय जो कहिया खो बराओ अरे बोले मरवे बारो जोर जोर के धर गाओ अपन घी डाट डार के खा ली शक्करो घी डाट डार के बड़ा पे शक्कर नहीं हो तो मांगा तना शक्कर दी अपन कहते जे भूखे रह जे अच्छा अबे तक तो कच्ची पंगत भाई ओके बाद में फिर पक्की भाई इतने इतने बने अबटे अति अंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलाने निकल गए पुणी बटने ही आ जाए जो हाँ फिर दूर दूर से जोड़े अबे तो कच्ची उड़ी थी फिर तो पक्की बनी रसगुल्ला बालो साई मुंग हद बार फिर रस का बनो अपार सो गाओ अपन ने कही का है जो कहिया खोबराओ बोले जोर बे बारो जोर जोर के धर गाओ अपन लगा लीजिए कबहू भर पेट नहीं खाओ ने हाँ कबहू तीर्थों को नहीं गाओ पेट बांध बांध के पेटी भरत रहो मर गाओ सो रगड़ ले सो सबने अच्छो रगड़ो आज जोन खो अपन कहते के जे हमारे खास या खास अति खास बतावे खास कैसे हो बताए खास कैसे हो कहिए हमारे खास यहाँ वे खास कैसे हो वे तेरा देना खाए सो खाए और चौदह में देना तनक सो बांध के ले जाए ले जात के नहीं आ ने धरो सो लौट के खेत जात कहिए रे हम खारी के देना पहुंच गए ते इतने देना रहे खूब काम करो मनो ने तनक सो के निकालो नहीं धार दाओ इतना सो के निकालो जी आई दुनिया के खास खाए सो खाए वो संगे बांध के ले जाए राम धनी तो याद रखना प्यारी बात कड़वी है हमारी कथा तो नहीं है सही है बाल बच्चों के सीधा भाई मीठी मीठी हंसी हंसी में प्यादा ही मनो गारंटी है आराम जरूर होते राम धनी तो कहने का भाव ये दुनिया है माया के चक्कर में मत पड़ो माधव की भक्ति करो जितना बने दस मिनट पांच मिनट के लिए उनके बन करके बैठो सुशीला जी बैठी उनके कष्ट दूर हुए अभी आगे देखना सुदामा जी कहने लगे हम जाने को तैयार हैं लेकिन हमारी दो शर्तें हैं सुशीला बोली सरकार बोलो तो का शर्त है बोले पहली शर्त मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता हम कछु लेके जे दूसरी शर्त हम वहां पर मांगेंगे नहीं क्योंकि मांगवे बारे तो कज्जक जात हैं हम तो भगवान के दर्शन करेंगे वो लौट आएंगे लौट आएंगे सुशीला कहने लगी बिल्कुल सरकार तो बोले कुछ लेकर के जाएंगे सुशीला बोली बा व्यवस्था हम कर दें सो सुशीला ने चार घर से चार मुट्ठी चावल लिए याद रखना सुशीला जी का चार मुट्ठी चावल एक ही जगह से नहीं मिलते मिल जाते के नहीं आज भी अगर कोनो गरीब आदमी आवे ओके वे किलो पगुआ चावल दे दे तो अपन उन्हें दे देवे कि नहीं तो सुशीला के लाजे भी चावल मिल जाते लेकिन सुशीला ने चार घरों से चार मुट्ठी चावल मांगे मांगे कि नहीं काय मांगे किसी के यहाँ से उधड़ा चावल किसी के यहाँ से धान का चावल किसी के यहाँ से टूटा चावल।